के न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ले ली है। लोकतंत्र की ताकत ने मुझे मौका दिया, अपना संबोधन दिया है द्रौपदी मुर्मू ने, और तमाम बातें उन्होंने अपने संबोधन के जरिए देश के सामने रखी हैं। भारत में गरीब सपने देख सकता है और पूरे कर भी सकता है, तो संदेश दिया है उस वर्ग के लिए, उस पृष्ठभूमि के लोगों के लिए जिन्हें ये लगता है कि हम उस शिखर तक नहीं पहुंच सकते। सभी सांसदों विधायकों का आभार भी जताया उन्होंने और लोगों को प्रेरित करने का काम किया है, ऊर्जा देने का काम किया। आजाद भारत में जन्म लेने के बाद ये पहली राष्ट्रपति हैं, देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। सभी सांसदों विधायकों का आभार भी जताया है द्रौपदी मुर्मू ने। आजादी के 75 साल में मुझे राष्ट्रपति बनने का दायित्व मिला है। और इसी पर हमारे साथ बहुत खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी बने हुए हैं। इसके अलावा काशीपुर से अजहर मलिक हैं, गाजियाबाद से जयवीर मावी हैं, अलग अलग जिलों संवाददाता भी बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले विजय दुबे जी के पास आएंगे। विजय दुबे जी, स्वागत है आपको चर्चा में। विजय दुबे जी, एक संदेश दे दिया गया है, हमारे देश ने एक संदेश दिया है कि अब कोई भी ऐसा मत सोचे कि वो आगे ऐसा कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता हो। देखिए शैलेंद्र जी, निश्चित तौर पे 15वें राष्ट्रपति का आज जो शपथ ग्रहण हुआ है वो देश के इतिहास का एक बड़ा माइलस्टोन है। और आदिवासी समुदाय से, संथाल आदिवासी कहना चाहिए स्पेसिफिक, जो उनका आदिवासियों में जो वर्ग है या जिस संथाल आदिवासियों के समूह से वो आते हैं, तो ये असल में आज भी जो हमारी बहुत बड़ी आबादी है वो आदिवासी जंगलों में रहती है और बहुत निचले स्तर पर रहती है। आज भी उनका, अगर आप जैसे कि हम और आप जिस प्रकार से, या हमारे सरीखे और लोग जो शहरों में रहते हैं, जिनका कि शायद जो जीवन स्तर या रहन सहन का जो स्तर है वो ये बताता है कि जो है उनका इस बात से कोई सरोकार, शायद बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने कि शायद आदिवासी जीवन को कभी करीब से देखा भी ना हो, मुझे भी ऐसा कोई बहुत बड़ा अवसर नहीं मिला। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आती है, जो कि आज भी जड़ जंगल और जमीन वाली बात जो कही जाती है, जो कि अपने जंगलों की चीजों पर आधारित है और उन जगहों से आगे आते हैं, और हम एक बिल्कुल निचले पायदान के व्यक्ति को ला करके जब राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पे बिठाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है। ये मैं कहूँ भारत के लिए, दुनिया भर के लिए संदेश है कि भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में ये संभव है। और जहां देशों में जहां के बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हैं, जहां की रेसिज्म है, आप कह सकते हैं कि रंगभेद सारी की चीजें भी काम बहुत सारे देशों में प्रायोरिटी के तौर पे ये देखा जाता है कि साहब आप कहां से आ रहे हैं, आपका आपका बॉडी कलर कौन सा है, आप कहीं ब्लैक तो नहीं है। तो ये जो कंट्रीज हैं बिल्कुल सबके लिए ये बड़ा मैसेज है कि हम एक बड़ी डेमोक्रेटिक रन करते हैं, उस डेमोक्रेसी के साथ हर व्यक्ति को ऑप्शन देते हैं, क्योंकि नीचे से आता है और सबसे सर्वोच्च पद पे हम उसको बैठाते हैं, उसको एक आइकॉन कह सकते हैं कि हमारे देश के बड़ी आबादी के लिए सेट करता है ये। बिल्कुल विजय जी, बने रहिए हमारे साथ। जयवीर मावी बने हुए गाजियाबाद से। जयवीर, आपके पीछे हम देख रहे हैं कई सारे लोग मौजूद हैं, हम चाहेंगे उनकी क्या राय है। आज एक बहुत बड़ा दिन है, अक्सर सारे लोग जो हैं, हम कई सारे चैनल्स देख रहे हैं, हर कोई आदिवासी समाज की बात कर रहा है, लेकिन आदिवासी समाज को अगर हटा दें, बाकी किसी एक आम नागरिक के तौर पर देखें तो भी एक बहुत बड़ा दिन है। कितने संघर्ष के दौरान, संघर्ष से लेकर शिखर तक पहुंचने का ये समय है, और संदेश है उन युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, कि आप भी सब कुछ हासिल कर सकती हैं। जयवीर जी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह द्रौपदी मुर्मू जो जीरो से लेकर शिखर तक पहुंची हैं, अब राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, उसको लेकर अगर बात करें तो आम जनता भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से एक ऐसी महिला जिसका जो बिल्कुल शिखर जीरो थी, उनको अब शिखर पर पहुंचाया है आज
देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर द्रौपदी मुर्मू को लेकर क्या कहेंगे आप जो आज शिखर पर पहुंचे। ये आदिवासी समुदाय से हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है महिलाओं के लिए, और जो आदिवासी महिला थी उनको एक जीरो से उच्च शिखर पर पहुंचा दिया है। ये बहुत 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 बड़ा काम किया है। हमारे साथ महिला भी हैं जो अभी युवा हैं, बच्ची, इनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा है। मेरे हिसाब से ये जो कदम उठाया भाजपा सरकार ने, इनसे प्रेरणा मिलेगी बाकी की आदिवासी जो महिलाएं हैं उनको, जो मुर्मू जी को ये स्थान मिला है उनको देख के वो प्रोत्साहित होगी, और भविष्य में हम चाहते हैं सारी महिलाएं ऐसी बढ़के अपना उच्च स्थान प्राप्त करें, अपना नाम करें। तो ये जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, सब कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। जो युवा वर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे आप जो युवा वर्ग है? अब जिस तरह द्रौपदी मुर्मू को एक मौका मिला है, जीरो से शिखर पर पहुंचे हैं, पहली बार सारे देशवासियों को शुभकामनाएं, जो हमारे देश को 15वां राष्ट्रपति एक आदिवासी के रूप में मिला, जो कि हमारे प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी सोच है कि उन्होंने एक आदिवासियों को लेकर एक सर्वोच्च अधिकारी पद पर इन्होंने जो इनको बैठा दिया है। और ये सबको पता है, ये हमारे एक भारत के गौरव की बात है कि एक लेडीज को इतना बड़ा अधिकार मिला है। देश का गौरव कहा जा सकता है जो एक महिला को सम्मान मिला है, उसको युवा वर्ग खास तौर पर एक देश का सम्मान माना दिया, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है? अच्छी बात तो ये कि बहुत बहुत शुभकामनाएं 15वें राष्ट्रपति के लिए, और ये सबका भारत और सबसे भारत का जो प्रतीक है, एक आदिवासी महिला को इतने बड़े सर्वोच्च पद पर, वन रैंक होती है हमारे राष्ट्रपति भारत की, बहुत बड़ी खुशी की बात है। आम से आम जन को भी उस सामुदायिक महिला से परिचित कराना, कुछ पद पर पहुंचाना, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारत की। तो सुरेंद्र, कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है इस कार्य से, जो भाजपा का जो कहा जा सकता है, जिस तरह द्रौपदी मुर्मू है जो एक आदिवासी महिला है उनको देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया है, तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है या महिला वर्ग की बात करें तो एक खुशी का माहौल है और एक उम्मीद लोगों को जगी है कि जो एक आम व्यक्ति, जो जिसकी कोई पहचान ना हो, जो या फिर जो एक ऐसा व्यक्ति जो निचले पायदान पर मौजूद हो, उसको एक देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना कहीं ना कहीं देश के लिए स्वाभिमान की बात है। तो लोग खुश हैं, युवा वर्ग काफी खुश है, और देश की सरकार यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं उनको, उनके साथ साथ जो जिन्हें आज राष्ट्रपति बनाया गया द्रौपदी मुर्मू जी को, उनको भी शुभकामनाएं यहाँ पर दे रहे हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं इस कार्य से काफी खुशी मिल रही है, क्योंकि देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी महिला है, जिन्होंने जीरो से लेकर शिखर तक का एक सफर तय किया है, तो कहीं ना कहीं इस सफर के पीछे हालांकि उनकी अपनी मेहनत है, अपनी निष्ठा है और अपनी लगन से वो इस पद पर पहुंची है, लेकिन उसके लिए जो एक रास्ता, जो मार्ग बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं एक काबिले तारीफ है, जिसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं और काफी खुश भी इनसे नजर आ रहे हैं। युवा वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग इस कदम से, जो सरकार का जो कदम है, उससे काफी खुश हैं और एक नया भारत देखना चाहते हैं, जिसके एक प्रतिमूर्ति के रूप में यानी कि एक प्रतिबिंब कहा जा सकता है द्रौपदी मुर्मू को, जो एक सर्वोच्च पद पर बिठा है, तो कहीं ना कहीं देश का गौरव बढ़ा है। वहीं महिलाएं भी इस कदम से काफी खुश है। महिलाओं का कहना है कि तो एक साधारण महिला उस पद पर पहुंची है, और कहीं ना कहीं अन्य महिलाओं में भी एक उम्मीद जगी है, जो एक कहीं ना कहीं जिस तरह की एक और महिला हमारे साथ है जो पेशे से वकील है, इनसे बात करूं, एक बार फिर जानना चाहेंगे कि तो आप बहुत ज्यादा खुशी है और उम्मीद है कि पूरे भारतवर्ष में सारी महिलाएं इसको लेकर बहुत प्रेरित होंगी उनसे, मुर्मू जी से, और वो अपनी निष्ठा लगन से ऐसी ऊंचाइयों को छू रखेंगी। हमारे क्या आप अपील करते हैं आप क्या कहते मैं इनके लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है, महिला सशक्तिकरण के लिए भी, और ये नीचे से ऊपर तक गई है महिला, तो इसके लिए हमारी सरकार धन्यवाद के पात्र है। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं इस कदम से सभी आम जो लोग हैं, आम लोगों में खुशी का माहौल है, हालांकि यहाँ पर सेलिब्रेशन भी कहा जा सकता है कि लोगों ने खुशी मनाई है, लड्डू भी यानी कि जो मिठाइयां थी वो मिठाइयां भी यहाँ पर बांटी गई थी और द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं भी दी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह
भाजपा सरकार यानी जो देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को बिठाए, तो इसको लेकर आम जनता में एक कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जिसको कहा जा सकता है वो गया है, जिसको लेकर एक प्रतिष्ठा यानी कि जो सम्मान है, या उसके अलावा जो मोदी जी की जो एक प्रसिद्धि है वो भी बढ़ी है, तो इस कदम से लोग खुश हैं और देश के प्रधानमंत्री को भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी शैलेंद्र, बिल्कुल जयवीर आप बने रहिए हमारे साथ। अजहर मलिक बने हुए हैं काशीपुर से। अजहर, काशीपुर की अगर बात करें तो वहां किस तरह का माहौल है? आज एक बहुत बड़ा दिन, गौरवान्वित करने वाला दिन, एक गर्व महसूस करने वाला दिन सभी के लिए, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो। अजहर जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुर्मू की जीत के बाद लगातार महिलाओं वर्ग की बात करी जाए, फिर या समाज में काफी जश्न देखने को मिला, अगर सूबे के मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो उनके द्वारा भी शपथ समारोह से पहले तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था मुर्मू को लेकर, और लगातार महिलाओं वर्ग में खासा उत्साह देखने को मिला। जो सुनहरे पन्नों में एक इतिहास रचा गया है कि 15वीं महामहिम के रूप में शपथ समारोह एक आदिमानव महिला ने शपथ ली है। सेकंड महिला ऐसी है जिन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर शपथ ली है, और लगातार जिस तरीके से महिला वर्ग में उत्सुकता देखने को मिल रही, जगह जगह महिलाओं के मिठाई वितरण की बात करी जाए या फिर छोटे छोटे प्रोग्रामों की बात करी जाए, जनपद उधम सिंह नगर में लगातार इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अजहर, अगर उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी की सरकार है और एनडीए ने अपना जो उम्मीदवार है वो द्रौपदी मुर्मू को ही घोषित किया था, तो जाहिर सी बात है बीजेपी में तो खुशी की लहर होगी ही। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी क्या कुछ इस वक्त कर रही है, उसका क्या कुछ कहना है इस आज के दिन के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शपथ समारोह राष्ट्रपति का स्वागत तो सभी विपक्षी पार्टी करते हुए दिखाई दे रही, खासकर अगर बात करी जाए तो कांग्रेसी महिलाओं वर्गों में काफी उत्सुकता देखने को मिली है। और दूसरा है कि लोकतंत्र की एक बहुत प्यारी परिभाषा है कि धरातल से भी उठकर बंदा शिखर तक पहुंच सकता है। लगातार जिस तरीके से 1997 में पार्षद के चुनाव जीतने के बाद 2000 में विधायकी का चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने एक नया इतिहास कायम करा था, जो असम सरकार में भी मंत्री पद पर आसीन रही। जी बिल्कुल अजहर, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनील मालवी भी बने हुए भोपाल से, उनके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी बने हुए हैं। लखनऊ में इस वक्त जश्न का माहौल है, दिनेश त्रिपाठी वहां मौजूद हैं, हम चाहेंगे अपने दर्शकों को दिखाएं। दिनेश जी बिल्कुल, शैलेंद्र आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष संजय गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ आदिवासी महिलाएं बहुत सारी संख्या में मौजूद हैं। मैं संजय गौड़ से जानना चाहूंगा कि आखिर द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी महिला के साथ साथ गरीब हैं, असहाय थी, एक समय उनके साथ ऐसा हुआ कि उनका लड़का, फिर उनकी बेटी, फिर उनका लड़का, उसके बाद पति को उन्होंने खोया, इतने संघर्ष के बाद आज वो जहां पहुंची हैं, उनके बारे में उनके बिरादरी के लोग क्या सोचते हैं, उनके समर्थक क्या कहते हैं। संजय गौड़ जी, पहले तो द्रौपदी मुर्मू के लिए आपको बधाई, और के न्यूज की तरफ से भी बधाई, के न्यूज परिवार की तरफ से बधाई, क्या कहना चाहेंगे द्रौपदी मुर्मू के बारे में आज? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 75 वर्ष बाद जो भारतीय जनता पार्टी अमृत महोत्सव मना रही है आज, उस दौर में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कार्य जनजातियों के लिए किया है, वो तो ना भविष्य कभी ना हुआ था, ना आगे हो सकता है कि ना हो पाए, लेकिन उन्होंने इस जनजाति को, जनजाति वर्ग से एक महिला को राष्ट्रपति बनाया है। यह जनजाति का, पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि यह जनजाति वर्ग से अंतिम व्यक्ति का जिस दिन उत्थान हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी और देश विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पे लग रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया था राष्ट्रपति बनाने का, और राष्ट्रपति बना के आज शपथ ग्रहण भी हुआ है, और बहुत अच्छा शपथ ग्रहण हुआ जिसमें सारे जनजाति वर्ग ही नहीं, संपूर्ण विश्व के जनजाति वर्ग और भारत के सभी वर्ग के लोगों ने यह गौरव किया है कि यह महिला जनजाति वर्ग से आई है। निश्चित तौर पर इस देश का विकास और उत्थान होगा, उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए इस देश को विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ाएंगे, हम देश को आगे बढ़ाएंगे। और महिलाएं क्या कहेंगी द्रौपदी मुर्मू के बारे में? और विधायक भी है, सोनभद्र से विधायक है भारतीय जनता,
कुशीनगर से विधायक है, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच है जो समाज के अंतिम व्यक्ति का कैसे विकास हो, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने निर्णय लिया और यह निर्णय पूरा देश सम्मान किया और अंतिम व्यक्ति का विकास कैसा हो, ऐसे इसी वजह से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है। तो राष्ट्रपति बनाया गया द्रौपदी मुर्मू को, शैलेंद्र आप देख सकते हैं, अपने सहयोगी बलराम से कहूंगा कि वो दिखाए किस तरह से आदिवासी महिलाएं बहुत सारी संख्या में वो आई हैं और द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई दे रहे हैं कि 75 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को, जो उन्होंने कहा था कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति, बिल्कुल अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को जब तक न्याय और अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक देश सशक्त नहीं हो सकता, देश अपनी गति को प्रदान नहीं कर सकता। दिनेश, हम देख रहे हैं कई सारी महिलाएं आपके पीछे खड़ी हुई हैं, कई सारी आदिवासी समाज की महिलाएं खड़ी हुई हैं, अपने सांस्कृतिक नृत्य को प्रदर्शित कर रही हैं। हम चाहेंगे कुछ महिलाएं जो हैं आदिवासी समाज से जो आती हैं, हम चाहेंगे उनकी राय हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, वो अब क्या सोचती हैं जो दिन है उसको लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल सालेन, मैं दिखाना चाहूंगा के न्यूज को दर्शकों को, खुशी का माहौल जो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने के बाद जो खुशी का माहौल है वो किस तरह जाहिर कर रहे हैं आदिवासी महिलाएं, देख सकते हैं के न्यूज के दर्शक। और मैं बात भी करने की कोशिश करूंगा कि कुछ महिलाएं आए और उनसे बात करूंगा कि वो क्या सोचती हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। आखिर जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ ली और भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, तो वो क्या सोचती हैं, क्या कहेंगी द्रौपदी मुर्मू के बारे में? गरीबों के लिए कहेंगे और क्या कहेंगे, हमारे तो हस्बैंड कोरोना में खत्म हो गए, हमसे ज्यादा गरीबी किसके। आखिर आपके ही बिरादरी से आपकी आदिवासी महिला को भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने राष्ट्रपति बनाया है, क्या कहना चाहेंगी? चाहेंगे यही, जो आए खुशी पे तो सबको भला चीते, दुखी गरीबों को भाई गर्व के साथ कह रहे हैं। आदिवासी समाज से क्या उम्मीद करती हैं द्रौपदी जी से? बहुत कुछ, सब कुछ करेंगे, अब आशा विश्वास है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। आशा विश्वास है, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से हैं, क्या नाम है? रवीना। द्रौपदी जी को आज राष्ट्रपति पद का शपथ दिलाया गया है, राष्ट्रपति हो गई है देश की, 15वीं राष्ट्रपति, क्या सोचेंगे कहेंगे उनके बारे में? क्या सोचेंगे, हमारी ही जात का है, जनजाति का है, तो अब सब कुछ सोचेंगे। हम लोगों के लिए कोई मसीहा आया है। कौन है वो मसीहा, नाम बताएं क्या न्यूज के दर्शकों को? जी मसीहा वो कौन है? यही द्रौपदी मुर्मू जी। कहाँ से हैं? हम यही 12 बरस से। क्या कहेंगी द्रौपदी जी के बारे में? क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बहन चुनी गई हैं। हाँ, हमारी बहन चुनी गई हैं, बहुत गर्व की बात है। हम कुछ कहना चाहिए, बताइए बताइए। हम बहुत लोग परेशान, हम लोग रोड पे पड़े, हमारे लिए नाली बन रही, खड़ंजा ने कोई योजना नहीं, हमारे यहाँ पानी में बच्चे निकलते हैं, हमारे रहने का ठिकाना नहीं कोई। आपकी समाज से द्रौपदी मुर्मू जी आज 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, क्या कहेंगे उनसे? अगर उनको कुछ कहना हो, मैसेज करना हो, क्या कहेंगे उनसे? यही कहेंगे साहब, हमारे लोग बहुत परेशान, हम लोग सपेरे रोड पे पड़े हुए, हमारे लिए कहीं योजना नहीं, हमारे बच्चों को कोई रास्ता नहीं, पानी खड़ंजे में से निकल रहे रोड, हमारे खत्म है, 1.5 साल हो गए, और विधवा पेंशन और लेन करे, अभी कुछ नहीं सहारा है। मड़िया डारे है, मक्का खेरे में, झपड़िया में बड़ी गरीबी है, जंगल में जा रहे हैं, जंगल में गरीबों के लिए हुआ बहुत मसी रहते, जंगल पड़े हैं, बोधा माटी घुमैला खा रहे हैं, नठौर है कहाँ, झुग्गी मड़ैया लगाते हैं, भगा देते हैं, जंगल में बसेरा करे लगाते, ये बात है, जा मच्छर काटे, जा कीड़ा काटे। हमारे यहाँ सर कोई सुनवाई नहीं करता,
झोपड़ी है, ना लाइट है, ना रास्ता है, ना नाली है, ना कल, इसीलिए आए सब कहना तो जरूरी है। हाँ बोल। बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए। हम देख रहे हैं कि जो आदिवासी समाज की महिलाएं हैं उनकी कई सारी समस्याएं भी हैं और वो अपनी समस्याओं को भी बता रहे हैं, किस तरह से वो संघर्ष कर रही हैं, आज की तारीख में संघर्ष कर रही हैं। और सोचिए उस वक्त जब द्रौपदी मुर्मू ने अपनी शुरुआत की थी एज ए करियर शिक्षिका के तौर पर, राजनीति के तौर पर, उस वक्त कितनी मुसीबतें होंगी और उसके बावजूद आज जिस शिखर पर पहुंची वो काबिले तारीफ है। और संदेश है उन तमाम लोगों के लिए, चाहे वो आदिवासी समाज से हो या फिर साधारण व्यक्ति। दिनेश आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ सुनील मालवी बने हुए हैं भोपाल से। सुनील, भोपाल की अगर बात करें तो इस वक्त वहां क्या नजारा है, वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, आज का दिन बहुत बड़ा है। सुनील जी, देखिये चले, अगर बात की जाए मध्यप्रदेश की, मध्यप्रदेश में अधिकतर बाहुल्य जो क्षेत्र है, आदिवासी अधिकतर क्षेत्र है, और मध्यप्रदेश में जिस दिन वोटिंग हुई थी राष्ट्रपति की, उस दिन क्रॉस वोटिंग भी हुए थे, तो कहीं ना कहीं मध्यप्रदेश के जो आदिवासी लोग हैं और जो भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए इतिहास और गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि एक पहली बार देश में ऐसी जो राष्ट्रपति उनको मिली है कि ना तो उनका कोई ग्राउंड था, ना बैकग्राउंड था, लेकिन ये क्योंकि लोकतंत्र में, क्योंकि देश में यही होते आ रहा है कि नेता का बेटा नेता, राजा का बेटा राजा, बादशाह का बेटा बादशाह, लेकिन अलग हटके देश को एक राष्ट्रपति जो मिला है उससे जो जनजाति के लोग हैं वो भारी उत्साह में है, खुश है कि उनको पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मिली है। जी सेलन, वो लगातार बात किया है मध्यप्रदेश की, पूरे देश में तो पूरे देश में मध्यप्रदेश में अधिकतर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। बिल्कुल, मध्यप्रदेश में कई सारे हिस्से हैं जो आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं, वहां भी खुशी का माहौल है और हर एक जो आम व्यक्ति है, चाहे वो आदिवासी समाज से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, उसके मन में भी एक उत्साह, एक उमंग, एक खुशी नजर आ रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं, देश में जोश और खुशी का माहौल है। फिलहाल के लिए आप सभी इजाजत, देखते रहिए केएनएस इंडिया।